कलमकार से, मतलब गाइस टूट टू करने का समय आ चुका है। कृष्णा बोलता है अभी तक तीन गाने आए, तीनों हार है। हम चौथा सुनते कृष्णा भाई का, शुरू करते हैं। चलो चालू करते हैं। सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस चुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी। गहराई में मैं शार्क मेरी लहर आ रही, तू वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी। पड़ेगा थप्पड़ तू असली खबर पड़, मैंने महारानी को फाड़ दिया। देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंदूर से, मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया। तेरी प्रजा नहीं ये मेरी अवाम है, तेरे दोगलेपन का तो रहूं गवाह मैं। एयर होस्टेस थी ना तेरी बंदी, वो तो उसका काम है, पर तू क्यों हवा में। तू था डॉग तेरी बंदी, वो तो उसका काम है, पर तू क्यों हवा में। तू था डॉग तेरी बीच में ही जाता, नॉक नॉक रात के बीच में ही आता। उसने कहा क्रिश की मीट एक टिक मेरा इतना बड़ा, उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता। बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में, आ बुरा लगा कृष्णा भैया आगे निकल गए असल में, आ बुरा लगा आर्टिस्टान ने तुझे प्यार नहीं किया, आ बुरा लगा तुझ पे डीएमएफ ने कभी ध्यान नहीं दिया। करने लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा, पर हमले से पहले एक वार्निंग आता। क्लासिकल संगीत का है शौक मुझे, आजकल उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा। दिस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है, मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्स की डर है। मैंने डाला गाना 11:30, तूने डाला 10 पे 22 घंटे, मैच की दर है। 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया, 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर। अगर ये मतलब गाइस इज अ कंपैरिजन हुआ ना टाइम का, तो एक चीज सुन है ना, टाइम का कंपैरिजन हुआ। अरे ये बोल रहा है कि तेरा भी बाबा जी ने क्रॉस ने और मैं भी इसको बोला था 1 मिलियन क्रॉस ने। मजा मजा आ रही है, क्या सिमिलैरिटीज आ रही ना। डाला गाना 11:30, तूने डाला 10 पे 22 घंटे, मैच की दर है। 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया, 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया। अभी बहुत रेज है, पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी। रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया, रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी। थोड़ा कम फूक तू मार ली नहीं है, हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है। जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी, आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। लेना ना पंगा लगा दूं मैं लंका, तुझ में ना क्षमता बनाने का ढंग का। सुबह सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा, आज ही मेरा घंटा। कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्कर से शक्कर था, तुझ पे मैं शक्कर था छोटे, तू मेरे ना टक्कर का। अभी ये बोल रहा है कि मोबाइल को बोल रहा है कि ये शक्कर का है। अभी एनिमल्स को बोलता है अरे मिट्टू है ये सामने, क्या सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा, आज ही मेरा घंटा। कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्कर से शक्कर था, तुझ पे मैं शक्कर था छोटे, तू मेरे ना टक्कर का। जाके ये पकड़ जा तू टोनी ककड़ का, फसड़ का जिक्र अब कर रहा है जान के। मेरा विकिपीडिया पढ़ ले तू ध्यान से, पड़ा जे की मीडिया के कूड़े दान में। मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते, फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके। अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में, मैं घुसे वाला नहीं मिलने घंटा घर पे। पंच लाइन पे पंच लाइन, इसको देख के लगता है जैसे मेरा लंच टाइम। आर यू स्लिप टैक जैसे खुलू किट कैट, लाता मैं बार जब आता है क्रंच टाइम। आई एम नॉट द वन टू फक विथ, तू लगे इन ब्रेड जैसे बन में कटलेट। अब बंटी के बिस्तर में कर तू वर्जिश, आई गेस फॉर यू सन इज फन टू सक दिक। बीफ में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय छोड़ी सौ लाश है। तेरा खानदान सुनता है एमीवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है। मैदान में भाई आई दौली भाई, तेरा खानदान सुनता है एमीवे, इसलिए बोलता है कि क्यों तू अब समझ आया कि झाटू की औलाद है, ऐसे तू बोलता है। इसमें क्यों एमीवे को वो दोस्त ना आगे आगे देते हैं, सुना होगा ना तुमने। Son is fun to suck dick. Beef में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय छोड़ी सौ लाश है। तेरा खानदान सुनता है एमीवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है। मैदान में बस असली जो रखते कदम, तू नकली जन्म से अब रख ले भरम। रिप्लाई के नाम पे तू कर ले शरम, रख दे कलम हर जस तू कर दे खत्म। 40 भी सुनता है कृष्णा के गाने, आ सच नहीं बोलता तू फेकर है बेटा। तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज, किंग रॉको का चौको तू लेकर है बैठा। खा ले तू वो जो असल में आता ना किंग, उसका भी नाम ले लिया है। अच्छा 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 अच्छा
टीवी सुनता है कृष्णा के गाने, यहाँ सच नहीं बोलता, तू फेकर है बेटा। तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज, किंग रॉको का चौको तू लेकर है बेटा। खा ले तू मुंह में अब डाल ले तू। रैप छोड़ बेटी, तेरे बस की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले जुल्फे संभाल ले तू। इतने साल से बनाया नहीं हिट, हिप हॉप के घर में लगाया नहीं ब्रेक, बीमारी में तूने बनाया ये टेस्ट, अफसोस फिर भी कुछ लिख पाया नहीं। सिक मारने का था तुझे इरादा नहीं, दिखाया रिस्पेक्ट और बदले में मांगा नहीं। धक्का दोगे तो कठोर मुझसे ज्यादा नहीं, मैं ही भगवान मुझसे बड़ा महाराजा नहीं। सुना तुझे भी अपनी मरवानी, बहुत हार्ड भाई, इसके वर्ड प्ले उसको ही समझ में आते रहेंगे, मुझे तो ऐसे लगता है। लेकिन यार एक चीज है, मतलब है ना, ये गाने से भी मतलब गाइस ये गाने में आप लोगों को गुस्सा नहीं आता, कितने सिमिलैरिटीज मिले भाई। ये तो पहला था ना, लेकिन ये गाने में भी बंदों को किधर, ए भाई जब से चौधरी भाई किधर थे, भाई किधर थे वो बंदी, वो वापिस इतना बुरा बोल गया बंदा। मतलब कृष्णा की बात नहीं करता, वो सपना कोई भी रैपर होता इतना बुरा बोल दिया। किधर कृष्णा की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यही रिपीट कर रहा है हर बार कृष्णा, वापस भी इधर तो बात हर बार हिंदी पे क्यों जाना है। इस बार इश्यू इतना बड़ा हुआ ना ये चीजों का, इस टाइम पे क्यों नहीं हुआ था, इस टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये तो। हाँ मुफ्त उसके माँ पे भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ना गाइस, और इतना गंदा बोल देगा। अरे गाइस किसी की बंदी बंदी है, वो संबंध बंदी को क्यों बीच में ला रहे हो यार। हाँ वो पर्सनल चीज है यार, उसने बोला ना वो पहले गाने में पर्सनल प्रोफेशनल अलग है, प्रोफेशनली लड़ो ना। बंदी को बीच में पर्सनली समझ में नहीं आता गाइस। ये गाना देखो मैंने ये गाना नहीं सुना था टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये नहीं पता था कि ये वापस से ऐसी मतलब इसने किया है पहले भी ये चीज, तभी तब कोई स्टैंड नहीं लिया मुफाट के लिए। नहीं बोलते ना मुफाट के लिए स्टैंड नहीं, अभी भी लोगों को लगता है बंदी को बोलते तो आसान है, इसलिए तो एमवीपी पे इतना ब्लेम हुआ है ना। देखो कृष्णा के लिरिक्स बहुत हार्ड है, हम लोग ये नहीं बोलते, बहुत अच्छा सॉन्ग जा रहा है, बहुत अच्छे लिरिक्स जा रहे हैं हमारे हिसाब से, तो अच्छा है, सबसे अच्छा ही जा रहा है हमारे हिसाब से। टू टू का स्कोर हो भी चुका है, कितने कितने जन का नाम मिल गया है, बोलता है कि हर्जस अभी इसको तू ही संभाल, इसलिए अभी जो दी सके ना वो हर्जस ने किए हुए, इसको हर्जस भी बीच में पड़ा है, मतलब मुफ्फड़ वन मैन था अभी तक। हाँ वन मैन गाइस, ये लोग आते तो हर बार झुंड में ही आते, तो मतलब एक बात है गाइस देखने जाएगा तो। अगर मेरे को एक चीज का गाइस यही गलत लगता है कि आप लोग सही गलत को फिर मतलब एक बार ऐसा ही, अगर ये चीज अभी इस बार ही गलत थी तो पहले क्यों नहीं साथ दिया मुफ्फड़ का, मेरा तो ये पॉइंट है। बीफ अच्छा है, उसका बीफ अच्छा गया था, ऐसा नहीं खराब गया था। मुफ्फड़ ने उसके दोनों गाने में कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं ना, मतलब ऐसा मतलब वो बोला है वो तो कृष्णा। हाँ वो कृष्णा बोला, ये तो वो तो लिटरली पर्सनल है भाई, वो तो लिटरली जा रहा है बंदी पे, बुरा ही नहीं करते गाइस। और सब वही होगा ना, अभी जो होगा ना वही पहले हो चुका था, तो पहले क्यों नहीं उठे तुम लोग, पहले किधर थे लक्ष्य चौधरी लोग सब। हाँ सब दोस्तों किधर थे, क्या था ना मन में मेरे ख्याल से ना, तभी आई थिंक बोलना तो नहीं चाहो लेकिन एक बार बोलता, तभी शायद से मुफ्फड़ जीत गया था, लेकिन कोई मुफ्फड़ को सपोर्ट नहीं करना चाहता था क्या फिर, तो भाई मैं इसलिए बोलता गाइस क्योंकि अभी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है बाबा जी और उसकी, तो उसमें से मेरे को बात याद आ रही है कि फिर तो भाई वो फैक्ट है भाई, सबको पैसे मिले थे क्या ना, किसी के साइड नहीं, ऐसा बस होता कि एमएमए के साइड से बोलते गाइस, जो सच है हम लोग को जो दिखता है ना वो बोलते क्लियरली वीडियो में जो दिखता है। देखो मेरे मेरे मेरा जहां से लॉजिक जाता है, एमएमए ने अभी तक तीन बीफ किए, तीन बीफ किए ना, डिवाइन के साथ, कृष्णा के साथ और उसके साथ, ये दोनों बीफ में कोई नहीं आना, कोई नहीं आना, ये दोनों बीफ में कोई किसी को समझ में, चलो हम मानते के किसी ने किसी को नहीं पता रहेगा कि सब क्या, पर सबने सुना क्योंकि इतना वर्ल्ड वाइड गाना गया है। मेन तो क्या है ना, जब किसी को अभी ना रफ्तार एमएमए में तो लोग इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि मालूम है पब्लिक इतना सपोर्ट हो गई थी ना एमएमए के, क्या दोस्तों लोग सपोर्ट करेंगे रफ्तार भैया को। फिर ये डिवाइन का हुआ, तभी भी कोई खड़े नहीं हुआ, अभी अचानक से ये अभी चल इसमें समझ में आते कि लोग खड़े हुए वहां पे गए, क्योंकि वहां पे गए माँ और बंदी पे जाने वाले थे, तो लेकिन तो फिर वो बात तो इसी में भी हुई, इसमें तभी कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, वही तो पब्लिक सच्चाई की। अभी भी मिला कि जिसने माँ को बोला है, इसने बंदी को बोला, वो कुछ नहीं, हम लोग का ये लॉजिक नहीं बैठता है, वो बोले ना उसने पर्सनल लाइफ और हाँ वो बाय वो मैच्योरिटी के पर्सनल और प्रोफेशनल अलग है, औरत होती भाई कोई भी बात बोल सही है। चलो फिर छोड़ो जान दो, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर खत्म करते हैं भाई, मतलब देखने स्कोर टू टू तो हो चुका है, बस थोड़ा पार्ट अच्छा नहीं जाएगा। हम लोग क्योंकि जनरल है, अगर ये बार नहीं अच्छा लगा तो उस बार क्यों अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। ओरिजिनल वीडियो जिसने नहीं देखा गाइस देख के पहले भी देखो, जाओ भाई लोगों का वीडियो देखो, फिर लाइक करो, शेयर करो भाई, मचा दो भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट में बताओ भाई कैसा लगा, कैसा लगा। चलो चलते, चलो भाई मिलते हैं।